तो आ गए आप, कैसे हो भैया? कंपनी लॉन्च किया रियलमी एक्स टी, 16,000 रुपए से शुरू है और ये टाइम भूल गया। तो आ गए आप, कैसे हो भैया? कंपनी लॉन्च किया रियलमी एक्स टी, 16,000 रुपए से शुरू है, भारत का पहला फोन है 64 मेगापिक्सल कैमरे वाले का। ये तो शाओमी ने पहले ही लॉन्च कर दिया भैया चाइना में, रेडमी 8 प्रो भारत में तो अभी आया नहीं है, और आए आए ना भी आए ये आ गया। एक बात बताऊं, रियलमी के अब तक जितने भी फोन लॉन्च हुए हैं उनमें ज्यादा प्रीमियम फील देता है, आप हाथ में लेते ही अमीर अमीर सा फील करने लग जाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि इसके फ्रंट में तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है ही, बैक में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी है, बताओ। और फ्रेम मेटल का दिया अगलों ने, कंपनी ने पैसे खर्च किए इसमें, जो रियलमी एक्स दिया था ये उससे थोड़ा सा लाइट वेट भी है और मार्जिनल थोड़ा सा छोटा भी है। अब कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको आगे पीछे दोनों मिल गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जेब में गाड़ी की चाबियां भी रखी है, आपकी गर्लफ्रेंड की बालों की क्लिप भी रखी है और सुसरे जेब में ठूस लो, ऐसे नहीं करते मेरे बच्चा। डिस्प्ले भैया कंपनी ने जी निकाल दिया डिस्प्ले बनाने में, 6.4 इंच के फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, सुपर एमोलेड, ये अट्रैक्टिव, ये वाइब्रेंट कलर भैया, गुड व्यूइंग एंगल, और धूप में ले जाओ ब्राइटनेस इतनी प्रॉपर है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, साफ दिखेगा। मतलब वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी है, मतलब नेटफ्लिक्स और प्राइम वाले भी आप HD में देख सकते हो। कुल मिला के बात यह है कि इसकी डिस्प्ले इतनी बढ़िया है कि खूब देखो शीला मुन्नी और देख देख के करो कुन्नी कुन्नी। परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो भाई साहब क्वालकॉम 712 दिया हुआ है 2.3 GHz, ये 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, साथ में इसमें जो रैम दी है वो भी DDR4X दी है, और इसमें रैम 4, 6 और 8 वाला ऑप्शन है जिसमें 64 128 के साथ है। रैम भी इन्होंने लेटेस्ट ही प्रयोग किया है, DDR4X प्रयोग की है। इसमें आप पबजी जैसे गेम बिल्कुल स्मूथली खेल सकते हो बिना किसी लैग के साथ। 30 मिनट के करीब मैंने इसमें पबजी खेला है, सबसे अच्छी बात मुझे इसलिए लगी लैग तो था ही नहीं, लेकिन ये कूल भी रहा, मतलब मैं सोच रहा भभक जाएगा लेकिन नहीं, ये पूरा कूल रहा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अबे स्लाइड चेंज कर। Realme XT में आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी मिलेगी और इसका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है या आपका थोपड़े से जो अनलॉक है वो भी मस्त करके काम करता है। इसमें बाकी Realme की तरह ही आपको कलर OS 6.0 मिलेगा, जो कि मुझे तो पसंद नहीं है, भर भर के ब्लोटवेयर। भाई साहब इतने मसाले तो सब्जी में नहीं पड़ते जितने इस OS में साथ में एप्लीकेशन दे देते हैं, ये डेली हंट, UC, हेलो, ओपरा, फलाना ढिमक्का, ऐसी की तैसी, मतलब फालतू में दे रहे हैं। लेकिन चलो अच्छी बात यह कि उसे अनइंस्टॉल किया जा सकता है, इतना तो इनका एहसान है। और अब बात करते हैं उस बात की जिस बात का ये फोन खा रहा है, 64 मेगापिक्सल का क्वेड कैमरा, सैमसंग का आइसोसेल G1 सेंसर प्रयोग किया है क्योंकि वो बाइंडिंग टेक्नोलॉजी से करता है 4:1। माई नेम इज लखन माइले, गाने सुनाने के अलग पैसे लूंगा। भैया इसमें 4 कैमरे क्वेड कैम, 16+8+2+2, 16 तो मेन हो गया, जो 8 मेगापिक्सल का है वो वाइड एंगल के लिए, एक जो 2 मेगापिक्सल दिया है वो है मैक्रो लेंस, और जो लास्ट का 2 मेगापिक्सल है वो है डेप्थ सेंसर। इसमें एक अल्ट्रा 64 मेगापिक्सल का आपको ऑप्शन मिलता है, कुछ सिचुएशन में आप चाहें तो उससे भी पिक ले सकते हैं। बाकी जो इसका मेन कैमरा है वो बहुत बढ़िया काम करता है डिटेलिंग के साथ, आप जूम करके भी देखोगे तो आपको प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी अगर प्रॉपर लाइट होती है। बाकी इसमें बहुत सारे मोड दिए हैं, EIS, क्रोमा बूस्ट, नाइट एस्केप, ये बहुत सारे आपको इसमें मोड दिए हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। यदि आप ज़्यादा अंधेरे में खींचते हो तो ये बोल जाता है, लेकिन अगर रोशनी है, मतलब सूरज छिपा हुआ है, इतनी रोशनी है तो बढ़िया पिक दे रहा है। अगर बात करूं उसके अल्ट्रा वाइड की, तो भाई अल्ट्रा वाइड थोड़ा सा मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, इसमें आपको बहुत सारी नॉइस मिलेगी। और इसमें जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया है ना, वो अननेसेसरी है, मुझे लगता है उसकी जरूरत है, क्योंकि इसका जो मेन है 16 मेगापिक्सल का वो भी बढ़िया करके आपको मैक्रोन दे रहा है, तो कोई जरूरत नहीं थी, उससे भी बहुत बढ़िया काम चल जाएगा। लेकिन कुल मिला के ऑल ओवर कैमरा वर्सेटाइल है, बहुत बढ़िया है। इसमें 4000 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। यदि आप हैवी यूज़र हो, मूवी देखते रहते हो, लगे ही रहते हो, गेम में लगे रहते हो, तो एक दिन फोन चल जाएगा, चार्ज तो करना ही पड़ेगा रात को, इतना इसमें है। बाकी अगर आप मुझसे पूछें फ़ोन लेना है कि नहीं लेना है, या एक्स या एक्स टी में से कौन सा लें, तो दोनों फ़ोन अपनी अपनी विशेषताओं के साथ अलग है। यदि आप चाहते हो फुल व्यू डिस्प्ले, पॉपअप सेल्फी, ये आपकी प्रेफरेंसेस हैं, आपको लगता है भाई फुल व्यू डिस्प्ले चाहिए और नहीं चाहिए,
तो आप Realme X ले सकते हो, वैसे भी इससे ज़्यादा प्राइस है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि भाई आप कैमरा वर्सेटाइल होना चाहिए, मुझे कैम फोटो क्लिक करनी है, ये सब करना है, तो फिर आप Realme XT को ले सकते हो। उस नाते तो ये फ़ोन बहुत बढ़िया है। मैंने इसलिए कर दिया, थोड़ा जाते जाते अच्छा फील आ जाता है ना। रोकना नहीं आज मेनू पीण तो, हथ रोकना नहीं आज मेरा पीण तो, ओए टोकना नहीं आज मेनू पीण तो, हथ रोकना नहीं आज मेरा पीण तो। यारा नाल घूमदे सी मौजा मार दे, यारा नाल घूमदे सी मौजा मार दे, तेरे करके बर्बादी हो गए, नखरे ना करिए ना सोनिए, तेरे पीछे आ शराबी हो गए, नखरे ना करिए ना सोनिए, तेरे पीछे आ शराबी हो गए।